शुरू होगी सुबह सुबह। देखो किस तरह की मस्ती करें। बोल के से दांत में घुसा हुआ है फिर छोड़ दे, जब छोड़ दे ना फिर बाबू का चोट लगा फिर रो गए। बेटा अपने दग्गे अंदर कर ले, अभी करूंगी। अथर बॉल से खेल रहा, एक गद्दा तो डाले ऊपर, दूसरा डालना नहीं दिया, दूसरा डालने के लिए जाऊंगी अब बस। ये ना ये बोतल रखी थी, अर्णव ने ध्यान नहीं दिया कि खुली हुई है, और ये इस पर गद्दे पे गिरी, पूरे गिले हुए गद्दे। बाद में मैंने गया कभी कुछ बोलूं, पहले तो पहले गया कि बाबू ने सूसू कर दिया। मैं कहा बाबू इतना सूसू ही ना करेगा, वैसे बाबू ने डायपर पहन रखा। राम राम जी, कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब सही होंगे। तो गाइस सुबह के बजे है 10:30 और सुबह का सभी काम खत्म हो गया है, बस कपड़े धुलने रह रहे। अब कपड़े धुलूंगी, मशीन लगाती हूँ। नाश्ता तो बना दिया था मैंने जल्दी, और रसोई का सब काम खत्म कर दिया, गैस बर्तन झाड़ू पोछा टोटल काम हो गया, बस कपड़े धुलने रह रहे। अब कपड़े धुलूंगी। दोपहर के बजे 2:30 और आज मैं 2:30 बजे कपड़े धुलूंगी, क्योंकि अथर ना परेशान कर रहा था, अथर कपड़े धुलने नहीं दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं था, मैं अकेली थी, मम्मी भी नहीं थी यहाँ पर, पापा जी भी ड्यूटी जा रहे, तो अथर अकेले ही था, रोई किट्टू भी नहीं आए थे इधर से। पहले तो दवाई लेकर सो गया था, थोड़ी देर बाद फिर उठ गया था, जब मतलब मेरा काम खत्म हुआ, नाना नाश्ता वगैरह काम हुआ मेरा, जब भी वो उठ गया था, तो इसलिए मशीन नहीं लगा पाई थी। अब मशीन लगाऊंगी, आज तो 2:30 बजे कपड़े धुलूंगी। बस इतना ही सोया था, उतना मैं नहाई और मैंने नाश्ता करा, फिर उसके नाखून कटे, नाखून बहुत बड़े और थे, फिर नाखून काटते काटते अथर उठ गया था, उसके सर की मालिश करी, उसका डैंड्रफ्स हो रहा ना, खुजली सी हो रही, तो इसलिए डॉक्टर ने उसे सीरम दे रखा तो लगाने के लिए लोशन सा वही लगाया था। तो ठीक है गाइस, धो लेती हूँ कपड़े। देखो मेरे बहुत सारे कपड़े हो रहे, मुझे अब कपड़े धुलने। तो पहले मैं बैठ के कवर उतार लेती हूँ, गत्ते तो ऊपर धूप में रखूँगी और कवर धुलूंगी। ना खुद से उतरने लग रहा, देखो आज इस पर गद्दा नहीं है, इससे उतरा नहीं जा रहा, अब इसने ना खुद से उतरना सीख लिया। देखो बार बार ट्राई कर रहा उतरने की, और गद्दा है नहीं, देखो चोट लगवा होगा अब, देखो कैसे ट्राई कर रहा, फिर बैठ गया, ये गद्दा नहीं है ना तो इसीलिए परेशान हो रहा है, लगाया उतर गया। देखो अब ना बस सीढ़ियों पर जाओगे और कहीं नहीं जाने का, सीढ़ियों का रहे, पकड़ के ले आती हूँ। झूले के लाल लगा बस, बाबू किस तरह लेट रहा, बाबू को नहीं लाया था एक्चुअली, बाबू को शर्म नहीं है। देखो बेटा क्या कर रहे हैं आप, आ जाओ, वैसे ही आपकी तबीयत तो खराब हो रही है, रोज नहीं लाया जाता आपको, आ जाओ। अरे बेटा आज तो नहीं लाया मैंने आपको 2 दिन में, आज फिर गंदे हो गए आप हैं, आओ मम्मा के पास, ऊपर बैठना है क्या, झूले में बैठना है बाबू को, ऊपर बैठना है बेटा को, बैठ गया जाके बैठक के सामने। ना पता नहीं है क्या सीख लिया, देखो पहले यहाँ पैर रखेगा, फिर वहां से पकड़ेगा, फिर यहाँ से पकड़ेगा, और देखो अब तो बाबू दिन पर दिन शरारती होता जा रहा है, दिन पर दिन इसकी शरारत बढ़ती जा रही है बाबू की। बाबू आप ये क्या कर रहे हो, गिर मत जाइयो, ओए बेटे इसलिए तो मना कर रही थी कि आपका चोट लग जाएगी, आओ मम्मा के पास आओ। नहीं नहीं फिर भी फिर भी फिर भी शैतान नहीं, फिर भी शैतान नहीं, आपको चोट लग जाएगी अथर, मम्मा के पास आओ। मम्मी आई, मम्मी आ, मम्मा से कैसे प्यार करती हो, जो ना बाल फट गए, सब पहन लिए, ये जी देखो मेरी सब। अथर आप इतनी शैतान नहीं कैसे करो बेटा, गिर जाओगे, बार बार उतरना, बार बार उतरना, बताओ बेटा आज किस पर गद्दा भी नहीं है, कहाँ जाओगे उतर के। शरारती को बार बार बाहर जावे बताओ। मैंने साओ पहन लिए, पहले मंदिर में रखी, पहले होली को पहनाई, फिर मंदिर में रखी, फिर मैंने पहनी, अब थोड़ी देर में पहनूंगी, फिर बाबू पहनेगा और फिर उठा के रख दूंगी। बाबू तो सामने बैठ के बात कर रहा मेरे साथ। अथर को ना ऊपर लेके जा रही छत पर घुमाने के लिए, अथर बहुत परेशान हो रहा था ना, मुझे बहुत देर से परेशान कर रखा। देखो बेटा मुंह में उंगली नहीं
दत्ते निकाल दो मुंह में से उंगली निकाल दो। देखो ये कह रहा कि मुझे ऊपर लेकर चलो, ठीक है बिंदी भी उतार दी बेटा। तो गाइस मैं तो ना मंदिर देख गया, मंदिर के पास आते ही सर बाबा का मंदिर देख गया और आज जोड़ना शुरू कर दिया। कहे बाबा जी जय हो, बाबा जी जय हो, और आ गए थ्रू में ऊपर आगे अथरू हमारे गद्दे भी है यहीं पे बैठ का। चलो आपको तुलसी खिला दूं हैं, मेरे सारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं, अथरू बाबू मुझे सांस चढ़ गया, चूल्हा भी कंप्लीट हो गया। एक गद्दा तो लेगी थी नीचे और एक यहीं पे खड़ा ये रहा गद्दे का कवर, ये सूख रहा। खस्सी हो रही तो बाबू को तुलसी तोड़ के खिलाऊंगी मैं, तो बाबू तो बार बार मेरी चुन्नी उतार दे। मैंने तुलसी ले ली है और धुल भी ली है तुलसी, बाबू ने भी तुलसी खा ली और मैंने भी खा ली। देखो बाबू खाने लग रहा अपनी तुलसी बाय कर दो, बाय अतरू बाय कर दो, बाय बाय कर दो सोना। अतरू पिजन का है, पिजन का है हमारे, हमारे पिजन का है सोना। कहीं भी ले आओ बाबू की तो सैतन नहीं रहे हर जगह। देखो बेटा आप सारे यहाँ किरकिर हो जाओगे, गंदी बात है बेटा। मैं साइड रख दूँ ठीक है, आप इससे खेल लो, ये फैन पड़ा है यहाँ पर छोटा सा, ले लो आप फैन के साथ खेल लो, आ जाओ। मेरा बाबू का फैन, बाबू को तो बहुत गंदे वाली खस्सी हो रही है। मैं बाबू के कपड़े चेंज कर रही, बाबू को नहीं लगे ना हाफ स्लीव्स के पहनाए थे कपड़े और फुल स्लीव्स के पहना रही ये वाले कुर्ता पजामा। और देखो बाबू चेंज करवाने की वजह से इधर उधर जा रहा, पर फिर मैं चेंज करूंगी, पजामे को ले लूँ, कुर्ता ले लूँगी, कुर्ता और पजामे दोनों ले लूँगी। बेटा आ जाओ चेंज करा लो, अब ठंड होगी, आओ जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे पास, मम्मा के पास आओ। कपड़े चेंज कर दिए, कुर्ता पजामा पहना दिया और विक्स भी लगा दी, अतर वो तो बहुत खस्सी उठ रही, तुलसी भी खिला दी, विक्स भी लगा दी और थोड़ी देर पहले बादाम भी खिलाया था। ऊपर से गद्दे ले आई उतार के और भी छा भी दी और बेड शीट भी डाल दी, देखो गद्दे डाल के बेड शीट भी डाल दी, अब पिलो लगा दूंगी, बस पिलो रह गया। शाम के 6 बजे और खाने का टाइम हो गया है, और गाइस आज खाने में मैं दाल चावल बनाऊंगी, चलती हूँ रसोई में और बनाने के लिए रखती हूँ खाना। रसोई में आ गई थी और मैंने दाल चावल बनने के लिए रख दी, दिखाती हूँ आपको बनने लग रही, और इधर चावल चावल का पानी उबल गया था, चावल भी डाल दिए, इधर चावल बनने लग रही। दाल बनेगी ना जब तक मैं दाल का सामान तैयार कर लेती हूँ छोंकने का, दाल फ्राई करूंगी ना बाद में तो उसी का सामान काट रही हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको। टमाटर ले लिया, ये हरी मिर्च ले ली और ये प्याज ले लिया, काट लेती हूँ हरी दाल और आलू की कटिंग करने लग रही, इधर छिलक रखी, पर इस बच्चे ने ना करने ही नहीं दी मुझे, बीच में छुड़ा दिया। खाना तो बन गया था, बस दूध गर्म करना रह गया था क्योंकि दूध आया नहीं था, दूध अभी आया तो मैंने अब दूध गर्म करने के लिए रख दिया, रात के 9:15 है और बाबू को रात की दवाई दे रही है। अब मैंने ड्रॉप वगैरह ले लिया, दवाई भी ले ली और चीनी का घोल भी बना लिया, क्योंकि डॉक्टर ने ना ऐसा बोला था कि चीनी का घोल बना के और सारी दवाई एक जगह मिक्स करके फिर दे दियो, एक साथ अलग अलग नहीं देनी, 4 तरह की दवाई है, चलो ये एक साथ मिला के चीनी के घोल में जब देनी है। देखो ये बना लिया मैंने चीनी का घोल और ये रही दवाई बाबू की, और थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी जो बाबू को बाद में पिलाऊँगी, थोड़े से मैं तो दवाई घोल लूँगी, थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी, जब बाबू को दवाई दे दूँगी फिर पिला दूँगी वो, तो ठीक है गाइस दे देती हूँ बाबू को दवाई, अभी तो बैठक में चले आऊँगी, फिर दूंगी दवाई, घोल के जाऊँगी बस लेने के लिए।